लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए पावर प्लांट गुरु जी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल पावर प्लांट गुरु जी में। आज हम लोग स्टीम टर्बाइन का गवर्निंग सिस्टम का ऊपर बातचीत करेंगे। तो पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ गवर्निंग। तो टाइप्स ऑफ गवर्निंग में पहला हम देखेंगे थ्रोटल गवर्निंग, नोजल गवर्निंग, बाईपास गवर्निंग, चौथा नंबर है कॉम्बिनेशन गवर्निंग, और फाइव में हम लोग देखेंगे एमरजेंसी गवर्नर। आशा करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखते रहिए। एक ठो गवर्नर का मेन प्रपोज है कि ये मॉनिटर करेगा, कंट्रोल करेगा स्टीम फ्लो को, क्योंकि टरबाइन का जो स्पीड है वो कंस्टेंट मेंटेन होता रहे। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल एक ठो गवर्नर का। तो चलिए अभी देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नर। नंबर वन में है थ्रडल गवर्निंग। थ्रडल गवर्निंग का जो वर्क करने का बेसिक प्रिंसिपल है, ये स्टीम का प्रेशर को रिड्यूस करके टरबाइन का स्पीड को कंस्टेंट मेंटेन करेगा। थ्रडल गवर्निंग को और अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए अभी देखते हैं उसका वीडियो एनिमेशन। इसमें देखिए उसका डिफरेंट पार्ट्स सब दिया गया है, जैसे स्लीव है, गवर्नर है, लेवर है, फल्क्रम है, मेन वाल्व है और बिहेवियर अरेंजमेंट है। तो जो मेन वाल्व है वहीं पर हम लोगों थ्रॉटल करते हैं स्टीम का प्रेशर को। नंबर टू में हम लोगों देखेंगे नोजल गवर्निंग। इसमें स्टीम का जो फ्लो को रेगुलेट करके टरबाइन का स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। फ्लो को रेगुलेट करने के लिए इसमें बहुत सारे सेट्स ऑफ नोजल को यूज किया जाता है। गवर्निंग को समझने के लिए अभी हम एक ठो वीडियो एनिमेशन देखेंगे। गवर्निंग का डिफरेंट जो पार्ट्स है वो है वाल्व्स, कनेक्टिंग पाइप, स्टीम इनलेट और नोजल सेट्स। इसमें जो नोजल सेट्स है वो सिक्वेंशनली ऑपरेट होगा नोजल गवर्निंग में। नंबर थ्री में है बाईपास गवर्निंग। मान लीजिए कोई भी टरबाइन कुछ समय के लिए ओवरलोडेड होगा, उस कंडीशन में बाईपास वाल्व ओपन होता है और जो फ्रेश स्टीम है वो टरबाइन का एलपी स्टेज में भेजा जाता है, क्योंकि कुछ क्षण के लिए जो लोड इंक्रीज हुआ है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। गवर्निंग को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक ठो वीडियो एनिमेशन देखेंगे। इस सिस्टम में क्या होता है ना, कंट्रोल वाल्व का बिफोर से एक ठो लाइन निकल के जाके सेकंड स्टेज में लगता है। सर्किट को बाईपास गवर्निंग कहते हैं। नंबर फोर में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन गवर्निंग। कॉम्बिनेशन गवर्निंग कुछ नहीं है, लेकिन पहले से बताया गया गवर्निंग सिस्टम का दो ठो कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे बाईपास एंड नोजल गवर्निंग को यूज किया जाता है टरबाइन का लोड को मेंटेन करने के लिए। नंबर फाइव में है एमरजेंसी गवर्नर। प्रत्येक टरबाइन में एमरजेंसी गवर्नर है, ये कुछ स्पेशल कंडीशन में एक्ट करते हैं। तो कंडीशन क्या है चलिए जान लेते हैं। पहला है जब मैकेनिकल स्पीड बियॉन्ड 110% हो जाएगा। नंबर दो में है अगर टरबाइन का जो बैलेंस है वो अगर डिस्टर्ब होगा। नंबर थ्री में अगर टरबाइन का लुब्रिकेशन सिस्टम फेलोर हुआ, तब अगर कंडेंसर में वैक्यूम कम हुआ
तब उस कंडीशन में भी इमरजेंसी गवर्नर एक्ट करेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।